आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर वन डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुख करते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के कृषि मंत्री से तीन सवाल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने कृषि मंत्री गणेश जोशी से तीन सवाल पूछे हैं, जिसमें उन्होंने प्रदेश के किसानों की बदहाली पर निशाने पर लिया है। करण महारा ने कहा कि कृषि मंत्री के अपने विधानसभा में 1.5 करोड़ रुपए के घोटाले हुए हैं, इसमें 3 लोगों को सस्पेंड कर इतिश्री कर दी गई है। हॉर्टिकल्चर विभाग में हुए घोटाले को लेकर हाई कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा और CBI जांच के लिए कहा गया, जिसका प्रस्ताव अब तक भी केंद्र सरकार को नहीं भेजा गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि किसानों को 1100 रुपए एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जा रहा है, जो कि न्याय संगत नहीं है। गेहूं की खेती चौपट हो चुकी है, लेकिन सब कुछ किसानों के लिए कोई मुआवजे का प्रस्ताव नहीं लाया गया है। साथ ही गन्ने की खड़ी फसल भी बर्बाद हो गई है, लेकिन किसानों को कोई मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने कृषि मंत्री से अपने विभाग और स्वयं को ठीक करने की भी बात कही है। हमारे मुद्दे हैं जिसमें हम जाएंगे, जोशीमठ हमारा मुद्दा है, अंकिता भंडारी हमारा मुद्दा है, किसानों की सारी फसल चौपट हो गई इस पहाड़ में, इस पूरे हरिद्वार तराई में कोई मुआवजा 1100 रुपये मुआवजा एकड़ के हिसाब से दिया गया, जो ऊँट की मुँह में जीरा भी नहीं है। उनसे मेरा आपके माध्यम से एक प्रश्न है, जोशी जी से 2-3 प्रश्न हैं। जो पहले गन्ने की खड़ी भी फसल बर्बाद हो गई बाढ़ से, आपने उस पर तो कुछ नहीं किया, बारिश ना होने की आप योजना बना रहे हैं। आपके 2-2 विभागों में इतने बड़े घोटाले निकल के आ गए, हॉर्टिकल्चर में आया जिसमें हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि CBI की जांच, आज तक आपने CBI जांच का प्रस्ताव तक नहीं भेजा केंद्र को। दूसरी, आप ही के यहाँ की सिंचाई में, आप ही के विधानसभा में 1.5 करोड़ से ऊपर का घोटाला सामने आ गया, 3 लोगों को सस्पेंड करे, 83 रुपये। 95 ब्लॉक हैं मंत्री जी इस राज्य में, और उन 95 ब्लॉकों का भौतिक सत्यापन कराएंगे? आपके यहाँ तो मरेबों को भी योजना मिल गई, नील पढ़ने लिखने वाले की अंग्रेजी में दस्तखत हो गई, योजना चले गई। तो हजूर, अपने डिपार्टमेंट ठीक कर लीजिए और ख़ुद को भी ठीक करिए। का सहारा यही है, वो हिंदू मुस्लिम के नैरेटिव पर ही हमेशा लड़े, नहीं तो 2 से ऊपर नहीं जाते थे। उनको 2-3 मेरे प्रश्न उनसे हैं। एक तो अभी तक राम मंदिर का शिलान्यास नहीं हुआ है, तो निश्चित है कि प्रसाद नहीं आया होगा। तो जो चावल बांट रहे हैं, वो पीला चावल घर घर, वो कहाँ से आया भाई? ट्रेनों से आना पड़ेगा पूरे देश के लिए, तो इतना तो अयोध्या से आया नहीं है, कोई लाया भी नहीं है। और मेरी जानकारी कि लालाओं के यहाँ से जो है चावल खरीदा जा रहा है, उसमें हल्दी में उसको रंगा जा रहा है, घर घर भेज जा रहे, उद्घाटन तो होने देते। आपने अपने कार्यकर्ताओं को ये नहीं बताया गलती से कि कितने तारीख के बाद बांटना है, आपके कार्यकर्ता पहले बांट चुके उसको मोहल्ले में। तो अभी तो रामलला के दर्शन ही नहीं हुए, अभी पूजा अर्चनाएँ नहीं हुई, यज्ञ नहीं हुआ, वो चावल कैसे बट गया? ये प्रश्न मेरा इनसे है। दूसरा, सनातन धर्म में, गंभीरता से मैं कह रहा हूँ इस बात को, मैं खुद सनातन धर्मी हूँ, सनातन धर्म में आदि गुरु शंकराचार्य ने व्यवस्था दी है कि 4 मठ उन्होंने डिसाइड किया कि 4। मसूरी उत्तराखंड से अरुण कुमार की रिपोर्ट। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।